हादसे से जुड़ी हुई। उन्नाव मामले में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले संसद में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया था, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है उन्नाव मामले को लेकर। प्रदेश सरकार को घेरा है उन्नाव मामले को लेकर कांग्रेस ने। लखनऊ में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन है। लखनऊ की सड़कों पर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, कांग्रेसी कार्यकर्ता इस पूरे मसले, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उतर आए हैं। लगातार बीजेपी सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार पर उन्नाव की घटना को लेकर चौतरफा दबाव है। विरोधी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और वही तस्वीरें इस वक्त आप लखनऊ की सड़कों से देख रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता सड़क पर लेटे हुए हैं इस वक्त, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उन्नाव मामले को लेकर, जिसमें पीड़िता ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। एक और साथी उसके ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पीड़िता आईसीयू में है, लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में है। लेकिन कांग्रेस इस वक्त इस मसले पर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में उन्नाव मामले को लेकर लखनऊ प्रदेश की राजधानी में सड़कों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता उतर आए हैं और प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। अपनी जगह बने रहना चाहते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता, इन्हें हटाने की कोशिश पुलिसकर्मी कर रहे हैं, लेकिन ये सभी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करना चाहते हैं। लिहाजा महिलाएं और पुरुष सभी कार्यकर्ता अब जमीन पर लेट गए हैं इस वक्त और प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी की पूर्व सांसद इस पर जो नारे लगा रही है, कांग्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क है लखनऊ में, जहां पर प्रदेश सरकार के खिलाफ इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, बैरिकेड लगाकर उनको रोकने की भी कोशिशें की जा रही हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता बैरिकेड के ऊपर इस वक्त चढ़ गई हैं। तमाम दूसरे कार्यकर्ता भी इस वक्त बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए हैं और दूसरी तरफ पुलिस मौजूद है, जिन्होंने ये बैरिकेड्स लगाकर एक तरीके से एक सीमा तय कर दी है कि प्रदर्शन इन बैरिकेड्स तक ही हो सकता है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त उन्नाव हादसा, सड़क हादसा मामले को लेकर इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार हमलावर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेड्स पर चढ़े हुए हैं। हालांकि जो तमाम लोग इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं, वो खुद भी इन कार्यकर्ताओं को बैरिकेड्स पर चढ़ने से रोक रहे हैं, लेकिन ये कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर लगातार चढ़े हुए हैं और ये कार्यकर्ता पुलिस से उलझ रहे हैं इस वक्त जो तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है। लखनऊ में इस वक्त कांग्रेस हमलावर है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और वो उनके साथ समाजवादी तमाम सांसदों ने भी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता लखनऊ की सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें आप सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क के पास से देख रहे हैं। मुख्य सड़क है जहां पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विधानसभा की ये सड़क है, लाइफलाइन कहा जाता है लखनऊ की। यहां पर कांग्रेसियों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, जिसको रोकने के लिए लखनऊ पुलिस की तरफ से ये बैरिकेड कर दिया गया है। कांग्रेसियों की ये डिमांड है कि कुलदीप सिंह सेंगर को बर्खास्त किया जाए और इसको लेकर के लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है कांग्रेसियों की तरफ से। ये आप देख सकते हैं,
बैरिकेड किया गया है और कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस समय मौजूद हैं। अजय सिंह लल्लू को आप देख पा रहे होंगे, वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ चुके हैं और बैरिकेड से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम अन्य नेतागण हैं जो कि प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो भी बैरिकेड से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ हजरतगंज पे पहुंचे थे और कल रात से ही इनका प्रदर्शन जारी है और ये सभी लोग अब बैरिकेड को क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने सुबह ही ऐलान किया था कि ये भाजपा कार्यालय पहुंच के वहां घेराव करेंगे, लेकिन पुलिस ने इन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया है और अब यहाँ ये लोग बैरिकेड के दूसरी साइड में मौजूद है। कैम बसंत गौरव के साथ शिवप्रताप सिंह, इंडिया न्यूज लखनऊ। शिवप्रताप की रिपोर्ट देख रहे थे आप। इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय लखनऊ में, वहां पर प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पहुंच गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तमाम कार्यकर्ता बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है इस बीजेपी के प्रदेश ऑफिस का घेराव करना, जहां पर जाने से पुलिस उन्हें रोक रही है। दूसरी तरफ राज्यसभा की आप तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त ट्रिपल तलाक बिल को लेकर, जिसे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेश किया है, उसको लेकर बहस के बीच में वो अपनी बात रख रहे हैं। लगातार दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ तीन तलाक बिल, दूसरी तरफ बेटी के लिए इंसाफ की जंग। ये कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह बाहर निकल चुके हैं भाजपा कार्यालय प्रदर्शन करने। सर, क्या डिमांड की सरकार को बर्खास्त करो, विधायक को दो तस्वीरें हम लगातार आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल पर बात रखने की कोशिश करते हुए, कांग्रेस की सदस्य आमी ने शुरुआत की थी इस बहस की जब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे टेबल किया था। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं उन्नाव हादसे को लेकर, जहां पर एक बेटी इस वक्त आईसीयू में मौजूद है, पीड़िता है, उसके साथ जो हादसा हुआ है उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश ऑफिस का घेराव करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। लगातार तमाम विपक्षी दल इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और इसमें विरोध कर रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव ने इस विरोध के बीच में ही इस एफआईआर की कॉपी भी जल्दबाजी में सार्वजनिक कर दी। तो दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं क्या कुछ चल रहा है इस तमाम मसले पर। गृहमंत्री अमित शाह भी इस वक्त राज्यसभा में बैठे हुए हैं। शिव प्रताप हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिव प्रताप, आप बीजेपी प्रदेश ऑफिस के ठीक बाहर इस वक्त मौजूद हैं। जो आपने रिपोर्ट भेजी उसमें तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भी ऐसे ही कुछ दिखा रही हैं। आप बताइए पुलिस क्या कदम उठा रही है, क्या चल रहा है? आपको बता दें कि तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, वो भाजपा कार्यालय के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको थोड़ी दूरी पे रोक दिया बैरिकेड लगा के। हालांकि सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे और जीपीओ गांधी प्रतिमा पर वो रास्ते ही प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और कुलदीप सिंह से, लेकिन पुलिस ने उनको थोड़ी दूरी पे रोक दिया बैरिकेड लगा के। हालांकि सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे और जीपीओ गांधी प्रतिमा पर वो रास्ते ही प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और कुलदीप सिंह सेंगर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। इसी डिमांड के साथ में सैकड़ों की संख्या में विधानसभा की तरफ वो बढ़े थे, जहां ठीक सामने भाजपा कार्यालय भी है, लेकिन वहां से चंद कदम की दूरी पर ही उन सभी लोगों को रोक दिया गया है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, हिरासत में लिया गया है। और यहाँ पर अभी भी भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं। हालांकि दो बस भर करके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यहाँ से भेजा गया है पुलिस की बस में, पुलिस लाइन के लिए, लेकिन अभी भी आपको बता दें कि काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और वो अपनी डिमांड के साथ में यहाँ पर डटे हुए हैं। जी, विमान के साथ यहाँ पर डटे हुए कौन कौन अगुवाई कर रहा है शिव प्रताप इस प्रदर्शन की? सड़कों पर उतरे हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता लखनऊ में, देखिए यहाँ आराधना मिश्रा है, विधायक है कांग्रेस की, और साथ ही साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता है ये। और
और ये तमाम ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम वरिष्ठ प्रदेश पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर को बर्खास्त करने के लिए। कुलदीप सिंह सेंगर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह। आपको तस्वीरों में इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता, इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। और लखनऊ की सड़कों का हाल भी आप देख पा रहे होंगे, पुलिस है, मीडिया है और उसके साथ तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जिनका बस एक ही कोशिश है कि किसी तरह प्रदर्शन करें, भाजपा के प्रदेश ऑफिस का घेराव करें। और इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता अति उत्साहित होकर भाजपा के ऑफिस के अंदर घुसने की कोशिश करते हुए, जहां पर पुलिस उन्हें जाने के लिए लगातार रोक रही है। तो ये तस्वीरें हैं आप देख पा रहे होंगे, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा प्रदेश ऑफिस के घेराव की कोशिश में लगे हुए हैं। एक प्रयास किया है एक कार्यकर्ता ने जो तस्वीरों में आप देख पाए, और तुरंत पुलिस ने वहां पहुंचकर उस कार्यकर्ता को वापस कर दिया वहां से। तो लखनऊ की सड़कों पर इस वक्त उन्नाव हादसे को लेकर काफी गहमा गहमी है, राजनीतिक विरोध चरम स्तर पर है यहां पर। इस पूरे मसले को लेकर तमाम नेता इस वक्त ट्रॉमा सेंटर का भी रुख कर रहे हैं पीड़िता का हालचाल जानने के लिए। और उत्तर प्रदेश सरकार अब बैकफुट पर साफ नजर आ रही है, अपने तमाम जवाबों को तोल रही है कि आखिर उसे जवाब क्या देने हैं। जो तमाम सवाल कार्य प्रणाली को लेकर उठाए जा रहे हैं, उन्नाव हादसे को लेकर पुलिस पर, प्रशासन पर जो भी सवाल उठे हैं, आखिरकार सवाल उन सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को ही देना है। और इस मौके का फायदा तमाम राजनीतिक विरोधी उठा रहे हैं और जो तस्वीरें देख रहे हैं वो उसी की वानगी है। कांग्रेस ने एक तरीके से इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन अब तेज किया है, समाजवादी पार्टी भी अपने स्तर पर विरोध कर रही है। उनके चाचा की पैरोल की मांग की थी, क्योंकि ये सन 2000 का एक मामला है, पहले का मामला है, मतलब इस सरकार से पहले के मामले में वो जेल में है जो पीड़िता के चाचा हैं। तो उनकी पैरोल की अप्लीकेशन इनके परिजनों ने दी थी, माननीय न्यायालय ने कुछ उस पर निर्णय किया है, तो जो न्यायालय का निर्णय होगा उसके अनुसार पैरोल पे जो जिला है रायबरेली जिले से वो इनके चाचा पीड़िता के आएंगे और वो क्रिमिनेशन में शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो इलाज है उसका सारा खर्चा सरकार उठा रही है। पीड़ित पक्ष के लिए जो भी उनकी मांग थी, जो भी धारा में कहा था, उस धारा में FIR दर्ज हुआ है। जो पीड़ित पक्ष के संदर्भ में कहा गया है कि जिससे एक्सीडेंट हुआ था, अब प्रथम दृष्टया तो यही आया, आज समाचार पत्रों में यही लिखा है कि वो एक दल विशेष के उनका रिश्तेदार है ट्रक का मालिक, अभी उसे जांच हो रही है और जांच के बाद कोई आगे की स्थिति होगी उसको बताएंगे। लेकिन अभी जो CBI के बारे में कहा जा रहा है, CBI के बारे में पहले से ही जांच चल रही है और पीड़िता पक्ष के जो लोग हैं, परिजन हैं, उनके कहने से फिर से जांच का CBI की जांच की संस्तुति प्रदेश सरकार ने कर दी है। यानी कुल मिला के जिस प्रकार से जो सहायता सरकार के स्तर पर हो सकती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर पूरी जो सतर्कता है वो बरती जा रही है। उप मुख्यमंत्री इस वक्त इस पूरे मसले के ऊपर बयान देते हुए बताते हुए कि जिस तरीके से तहरीर दी गई थी उन FIR उन्हीं धाराओं में दर्ज की गई है, हालांकि वो तमाम और भी इस पूरी घटनाक्रम के पहलू बता रहे थे, ट्रक किसका था, जिसके पास मालिकाना हक है उस ट्रक का, वो किस राजनीतिक विचारधारा को समर्थन करता है, उस बारे में भी वो इशारा दे रहे थे और वो तमाम बातें बता रहे थे कि किस तरीके से पुलिस और सरकार इस वक्त इस पूरे मसले को डील कर रही है। लेकिन करीब करीब इस मामले में ये कहा जा सकता है कि कुछ देर से जागी सरकार, जो कुछ किया जाना था उन सब में जो तमाम सवाल उठे हैं, नंबर प्लेट पर आखिर नंबर प्लेट को बिगाड़ने की कोशिश क्यों की गई थी, इस पूरे मसले पर सुरक्षाकर्मी आखिर क्यों नहीं साथ थे, तो तमाम सवाल हैं और उन सवालों को का फायदा एक तरीके से अब विरोधी पार्टियां उठा रही हैं और सड़कों पर उतरी हुई हैं। बैकफुट पर उत्तर प्रदेश सरकार साफ नजर आ रही है, इंतजार कर रही है कि पुलिस की फाइंडिंग्स क्या निकल कर आती हैं शुरुआती जांच से। लेकिन इस बीच लखनऊ में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है और वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखाई पड़ रही होंगी। पुलिस ने कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, वो कार्यकर्ता जो कि बीजेपी प्रदेश ऑफिस का घेराव कर
रहे हैं, लगातार बैरिकेड्स पर चल रहे थे, उन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। कुछ एक कार्यकर्ता बैरिकेड्स तोड़ने की भी कोशिश में सफल रहे। तो तमाम इस वक्त हालात है जो लखनऊ की सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।